हाय गाइस, मैं हुसैन, मेरे साथ शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑन रिव्यू नॉस्टैल्जिया। और इस बार भयंकर लूटू पे ना आकर हमें ऐसा लग रहा हम आए सैट मैक्स पर, क्योंकि हम रिव्यू करने जा रहे हैं सूर्यवंशम को। वी डेफिनेटली लाइक योर परफॉर्मेंस व्हेन यू सब्सक्राइब टू मेंस एक्सपी। पिछले हफ्ते हमने अमिताभ बच्चन की उस पिक्चर का रिव्यू किया था जिसमें कि बाप अपनी औलाद से परेशान, और कर्मा ने मारी पलटी। इस बार वो पिक्चर है कि जिसमें अमिताभ बच्चन बने हैं बेटे और वो अपने बाप से परेशान। भाई जो भी हो, परेशान तो अमिताभ बच्चन ही है दोनों में। अमित जी यार भोले भी तो बहुत ज्यादा है। उनका हेयर ड्रेसर हर बार बना देता है। भाई कभी आपने देखा उनके हेयर कट में कुछ फर्क आया हो? भाई वो हेयर ड्रेसर अमिताभ बच्चन का चुट्टे नहीं बनाता, अमिताभ बच्चन दुनिया का चुट्टे बना रहे हैं। हैशटैग विग और नेचुरल के साथ अपना ओपिनियन दोस्तों हमें बताएं कि बच्चन साहब के बाल असली हैं या विग है, और अगर विग है तो आप ये बता सकते हैं कब से है। उनका हर एक ट्वीट पढ़ के अंदर से एक आवाज आती है, क्या कंप्यूटर जी इस ट्वीट को फ्लिप किया जाए। फ्लिप किया जाए। अब फ्लिप होने के बाद जो ट्वीट आता है वो भी इक्वली डिसअपॉइंटिंग होता है। बदतमीज। तो डिसअपॉइंटमेंट की अगर बात करें, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो सेट मैक्स को ये है कि अभी भी हिंदुस्तान में 4-5 लोग बचे हैं जिन्होंने सूर्यवंशम नहीं देखी। भाई साहब ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर कि आधार कार्ड राशन कार्ड होना हो आपके पास, सूर्यवंशम देखनी जरूरी है। सूर्यवंशम सेट मैक्स ने दिखा ही दी है सबको। भाई ये भी कुछ दिनों बाद सवाल आ जाएगा आरोग्य सेतु पे। हां, हैव यू सीन सूर्यवंशम? नो, यू आर अनसेफ। या तो यू आर अनसेफ या यू आर स्मार्ट। कैसे बच गए तुम सेट मैक्स के जाल से? लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई सेट मैक्स का जो एस है वो सेट नहीं है, वो सूर्यवंशम का ही। सूर्यवंशम मैक्स कि मैक्सिमम टाइम हम सूर्यवंशम दिखाएंगे। एस मैक्स, सूर्यवंशम मैक्स। यस स्क्रीमिंग डैड नो। ओके ठीक। तो द फर्स्ट वर्ड वी हैव टू से अबाउट दिस फिल्म इज दैट कि भैया ये क्या बवासीर बनाती है भाई, क्या मतलब किस क्या भूखे लिखी गई है फिल्म। अपने बचपने में हो सकता है ये फराज सामजी लिखी, कोई बड़ी बात नहीं। डार्क के हिसाब से अगर चले तो 86 में जाके फराज सामजी ये लिख के आया और 2019 में आ गया। उसने कहा कि बहन मैं वो गुफा कैसे, उसने लिखा कि मैं फिल्म बनाऊंगा सूर्यवंशी। वैसे अगर फराज सामजी विंडन शहर की उस गुफा में घुसने के लिए तैयार है तो उनकी जर्मनी की टिकट मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई वो तो 1953 में अगर चला गया तो बहन 1953 में जाएगा तो नेहरू को तंग करेगा ना हमें क्या। हम तो इधर से ढक्कन बंद कर देंगे, ये साले वापस लौट के मत आइयो। फिल्म के लीड रोल में है अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन, यानी कि उनका है डबल रोल। वही हुआ जिसका हमें शक था। डबल रोल प्ले करते हैं वो, अपने ही बाप भी बनते हैं और अपने ही बेटे भी बनते हैं वो। अमिताभ बच्चन ने उसको एक अलग लेवल पे लेके जा गए। उनके कैरेक्टर का नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और वो सरपंच बने हैं भरतपुर तालुका के। और वो इतने बड़े आदमी बने कि भाई वो मोहल्ले में निकलते हैं, लोग अपनी अपनी पगड़ी रख देते हैं, लोग अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं। SSP साहब खुद कहते हैं कि अपने आप में हाई कोर्ट है और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वही बड़े ठाकुर के छोटे बेटे ही बनते हैं अमिताभ बच्चन, जिनका नाम है हीरा ठाकुर। वो इतने किस्म के आदमी है तू सच कह रहा है ना, कि वो अपनी किताबें बहा देते नदी में, कहते पापा अब मैं पढ़ूंगा लिखूंगा कैसे। नहीं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर वालों की नजर में है, बाकी पूरा भरतपुर में उनकी बहुत इज्जत है। एक लेजिट सीन है कि जहाँ पे एक बच्चा रो रहा है उसकी मम्मी चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन भरतपुर तालुका में ऐसा नहीं है, वहां पे चुप कराते हीरा ठाकुर अपना गाना है धीरे धीरे सपने मेरे। गब्बर आने वाला बच्चे वैसे चुप हो जाते हैं, जबकि 16 साल पहले सीख लिया था ये डायलॉग मानना। पता सबको पता है, सबको पता है कि गब्बर के नाम से पड़ती नहीं उसको तानसेन। भाई आज की डेट में ये बोल दो 8 बजे मोदी जी आने वाले हैं, सबकी पट जाएगी। उस दिन मोदी 4 बजे आए, लोग कह रहे हैं सुनना है, मैंने कहा भाई 4 बजे कुछ नहीं कहते वो। ये एक ने लिखा भी कि 4 बजे वाला IPL मैच, 4 बजे वाली मोदी जी की स्पीच, कोई नहीं देखता, मजा 8 बजे वाले में ही आता है। ये तो खाली लुक टेस्ट करा था अभी मोदी जी। भाई जो मोदी जी का वो स्लोमो वाला वीडियो देखा, वाड़ा वाऊ वाड़ा वाऊ वाऊ मफलर हटा के, भाई लड़कियां फिदा है आज की डेट में मोदी जी। लुक पे तो मैं भी फिदाऊंगा। लुक पे आप भी? लुक पे तो मैं फिदाऊंगा। बाबा रामदेव इसी को बीमारी मानते हैं क्या? सही बात। अब तो कह रहे कि नहीं, मैंने तो कब कहा कि मैंने कोरोना की दवाई बनाई है। हाँ, जिस हिसाब का यूटर्न मारा ना बाबा रामदेव ने, प्लीज ज्वाइन आम आदमी पार्टी ASAP। तो इन दोनों के अलावा फिल्म के अंदर है सौंदर्या। सौंदर्या बेसिकली बनी है एक IAS एस्पिरेंट एंड इश्क में अंधी थी बिल्कुल। ओ भाई जाहिर बात है यार, अमिताभ बच्चन कितने बूढ़ा हो जाए, अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन ही है। आज तक हमारे घर वालों का क्रश है अमिताभ बच्चन, पापा मेरे स्ट्रेट है फिर अमिताभ बच्चन पे क्रश है उन्हें। इसके अलावा फिल्म के अंदर है अक्षय कुमार का फेस ऐप लगा के बूढ़ा वर्जन अनुपम खेर, या फिर ये कह सकते हैं संबित पात्रा में फिल्टर लगा के उनका गंजे वाला। भाई ये अपने आप में कंफ्यूजन है कि संबित पात्रा ज्यादा सुंदर है या अनुपम खेर। अनुपम खेर ज्यादा सुंदर है भाई, कश्मीरी खून यार, सफेद बिल्कुल चिट्टा आदमी।
ही क्लेम्स इज कश्मीरी ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वेर वेर यू? नहीं हुआ, ये एनआरसी करेंगे, ये बताएंगे, ये करेंगे बहन, ये बताएंगे अब कि ये सीए लगाएंगे कश्मीरी है कौन है कि नहीं है? तुम बताओ कि कौन कश्मीरी पंडित है कौन नहीं है? हाँ ये भैंस शिकारा देख के इनकी हिस्ट्री समझी समझ में आई है? हाँ, विधु विनोद चोपड़ा की पढ़ाई तो पाठ पढ़ रहे हैं ये लोग। हिमाचली कंगना है हिमाचली? हाँ, काफी जहर है भाई हिमाचल में ये जड़ी बूटियों के अलावा भी। कंगना की एक्टिंग तो बढ़िया है, नो डाउट, ये तो है, ये हम बार बार एज एन एक्ट्रेस फैंटास्टिक। जब तक हम ये लाइन बोलने आते ना, कंगना के फैंस उसके जोक पे गाली बकने लगते हैं और फिर ये नहीं कि उसकी तारीफ सुनकर डिलीट कर दे, आप लिख दिया है तो प्रेस ही कर दो एंटर। सही बात है। अनुपम खेर बेसिकली अमिताभ बच्चन के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उतने ही घनिष्ठ मित्र जितने की मोदी जी और मोटा भाई। मोटा भाई, भाई मोटा भाई का नाम लेने तो भटती अपनी भी। बिल्कुल भाई, हमें नहीं बैठना इधर। क्या हमें नहीं बैठना इधर? हम चवन्नी लेके घोड़े पे बैठे हैं भाई, बहुत है हमारे लिए। सॉरी बोला ना। इसके अलावा फिल्म के अंदर है जया सुधा, जो बनी है बड़े ठाकुर साहब की बीवी और छोटे ठाकुर साहब की मम्मी। वो थोड़ी समझदार कैरेक्टर है, उनको अपने बेटे से भी मोहब्बत है, अपने हस्बैंड से भी हमदर्दी है। वो अगेन मोर लाइक हेमा मालिनी, या कि भाई अपने दोनों हाथ में लड्डू चाहिए अपने को, दोनों में, ये निकाल दे तो इसके साथ रह लूं, ये निकाल दे तो चला। इसके अलावा फिल्म के अंदर है रचना बैनर्जी, जो कि प्ले करती है गौरी का कैरेक्टर। गौरी बेसिकली है एक गोल्ड डिगर, हीरा ठाकुर उनसे प्यार करते हैं और वो उनको भाव नहीं देती है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, गवार हो। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या उनसे शादी कर ले? बेचारे हीरा ने उसके लिए मैडम के सर में स्टील का टिफिन दे के मारा था, और हीरा कितना शरीफ है, अब भी ये नहीं कह रहा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। हीरा कह रहा चल ठीक है, कोई वाड़ा वाऊ वाऊ नहीं कर रहा। हीरा कह रहा है कि मैं बाबूजी से मना कर दूंगा, मैं बाबूजी से मना कर दूंगा, मैं तू तेरा नाम खराब, तेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। नहीं, हीरा जैसे लोग 100 साल में एक बार जन्म लेते हैं, इसीलिए 100 साल तक ये पिक्चर दिखाई जाएगी। सही बात है, दोबारा हीरा जैसा कोई जन्मेगा ही नहीं धरती पे। इसके अलावा फिल्म है लेजेंडरी एक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट्स कादर खान। कादर खान बेसिकली प्ले करते हैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, पर उनका वर्दी वाला स्टीरियोटाइप इतना ज्यादा कर दिया कि अगर आपको दिखाना है कि ये मेरे रिटायर्ड आर्मी के मेजर अंकल हैं, हम कैसे मान ले वर्दी तो पहना ही नहीं है। हाँ, क्योंकि बॉडी से तो लाला लग रहे हैं। किराने की दुकान है इनकी गली के कोने पे। दुग्गल साहब भैया, दुग्गल साहब आज आर्मी अफसर है। आप बात करते हैं फिल्म के असली विलेन की, जो की आधी पिक्चर तो आपको लगता है कि भानु ठाकुर विलेन है। हाँ, असली विलेन है मुकेश ऋषि उर्फ केवड़ा ठाकुर। आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। मुकेश ऋषि जो है वो भी एक ठाकुर है इस गांव के, और इस गांव के अंदर पावरफुल हैं आप, तो आप सिर्फ ठाकुर ही हैं, तो जातिवाद भी खूब दबा के है। फिल्म का प्लॉट कहां पर है किसी के बाप को नहीं पता, क्योंकि फिल्म अपेरेंटली बेस है भरतपुर तालुका में, और ये जगह कहां है हिंदुस्तान के अंदर ये एक मिस्ट्री है। और ये मिस्ट्री तो है, ये लगता है कि जितना मोदी जी ने दावा किया था ना आदर्श ग्राम को डेवलप करने का, वो यही है भरतपुर तालुका ही वो आदर्श ग्राम है, वो स्मार्ट सिटी भरतपुर तालुका ही है। 1999 में भरतपुर के पास अपना खुद का रेलवे स्टेशन है, गांव होने के बावजूद सरपंच भी है, अपनी खुद की डीएम है, अपने खुद का डैम है, भरतपुर के पास डैम है भाई साहब, सुंदर लैंडस्केप है। और इसके बाद भी बच्चन साहब कहते हैं कि पिछले साल यहाँ सूखा पड़ा है, और वहाँ के मंदिर जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल है, जैसे अपन मदुरई चेन्नई में देखते हैं। इतना ज्यादा ये क्रॉस इंटीग्रेशन जो हुआ है कल्चर का, वो हमारे तो सर के ऊपर से निकल गया। प्लॉट बेसिकली होता है कि बड़ा ठाकुर एक बहुत ही बड़े रेप्यूटेड आदमी है उस गांव के अंदर, और उनकी पुरानी राइवलरी चलती आ रही केवड़ा ठाकुर से, और वहीं पर उनके जो छोटे बेटे हैं हीरा ठाकुर, वो होते हैं एक नंबर के निकम्मे निठल्ले नाकारा। ये थोड़े हार्श वर्ड्स है, मैं ऐसा मतलब भाई बड़े ठाकुर की नजर में। एग्जैक्टली फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हीरा ठाकुर की जहाँ पे भानु ठाकुर की चौड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस वाले उन्हें हाईकोर्ट समझते हैं। नए नवेले दूल्हा दुल्हन अपने शादी के कपड़ों में हनीमून पे नहीं जा रहे, बड़े ठाकुर क्या जा रहे हैं? बड़े ठाकुर के पहले पांव छुए कि आज मेरी सुहागरात है, बढ़िया से मैं 1.5-2 घंटा परफॉर्म करूँ आशीर्वाद। हाँ भाई, 1-1.5 घंटा तो बहुत नहीं हो सकता। गाइस बताइए कमेंट में, अगर आप लोग व्हाट इज योर एवरेज परफॉर्मेंस टाइम। उनके जो जाने दुश्मन है केवड़ा ठाकुर, वो साला ने एक लड़की को मोलेस्ट कर देता है, और बड़े ठाकुर बीइंग बड़े ठाकुर इंसाफ दिलाते हैं उसको, और उसको साले को डलवा देते हैं जेल में। अब वो वहां से डिसाइड कर लेता है वापस आगे कि मैं तो इनसे बदला लूंगा ही। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हीरा की हो रही है बहन की शादी, तो हीरा की बहन की शादी करना है कादर खान साहब। कादर खान की नजर लेकिन दूसरी लड़की पे होती है। अनुपम खेर से कहता है कि सुन, ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? तो अनुपम खेर भी क्या करता है, दारू भी पीता है कि हाँ इसका तो हो जाएगा, जालिम सिंह से पूछवा दूंगा। कौन है जालिम सिंह? इसका पति है। कहाँ है आजकल? जेल में है। क्यों? पिछली बार किसी ने इस पे ऐसी गंदी नजर डाली थी, उसने उसका हाथ काट दिया था। कादर खान वाला दुग्गल साहब आज गूंगे, आज गूंगे। अब हीरा ठाकुर के लिए एक तो ये दुख की बहन की शादी के बारे में बताया नहीं गया, दूसरा दुख भाई साहब ये
कि मेहमानों के सामने इज्जत नहीं हो रही है, नौकरों की तरह बेचारे काम कर रहे हैं। तो ये जिससे शादी हो रही होती है उस लड़के की बहन देखती है कि हीरा ठाकुर जो है अपने बाप की हूबहू एक तो क्लोन कॉपी है। सौंदर्य जो IAS एस्पिरेंट है जो वो देखती है कि कितना सही रहेगा, हाउस हस्बैंड के लिए परफेक्ट मटेरियल क्या होता है, घर बैठ के नौकरों वाली हरकतें इसकी वैसे ही है सेवा सपाटा कर देगा, सेवा सपाटा अपना कर ही देगा। वो यहाँ पे जानती है हीरा ठाकुर की बैक स्टोरी कि एग्जैक्टली हुआ क्या हीरा ठाकुर के साथ, व्हाई इज ही बीइंग ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट, क्योंकि हीरा ठाकुर का सारा फ्यूचर उनकी किताबों के साथ बह गया। हाँ, और हमारा सारा फ्यूचर कैसे बह गया, हमारी के साथ नहीं, हमारा फ्यूचर तो सारा बह गया ये लॉकडाउन के चक्कर में, जो हमारे 8 लाख से व्यूज आके 2.5 लाख पे गिरे ना, ये बात है यार। चाइना की माँ का चाइना का वो इसलिए जान दे रही थी गौरी कि तुमसे शादी करनी पड़ रही थी, और मैं इसलिए दे दूंगी कि अगर नहीं करोगे तो। और अमिताभ बच्चन को हीरा ठाकुर रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये मेरा रिबाउंड हो सकता है। हीरा ठाकुर ने बोला ठीक है बहन, तू मुझसे प्यार करती है, मैं तेरे से प्यार करूं, मैं तेरे से शादी करूंगा। जा थाम ले राधा का हाथ। अब इसका लेकिन क्या होता है, जैसे हीरा ठाकुर के मन में प्रेम जागता राधा के लिए, वो भाई साहब निकालते हैं अपनी रॉयल एनफील्ड और वाड़ा वाऊ सीधे एंट्री मारते शादी के मंडप में। कैसे मारते हैं एंट्री भाई, पोस्टर फाड़ के एकदम निकलते हैं हीरो की तरह और भगा के ले जाते हैं लड़की को। अब क्या होता है, इनकी शादी होती है तो अनुपम खेर के घर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं। वो अनपढ़ बीवी बेरोजगार साले, कल को बच्चा पैदा हो गया, ये लोग तो बनते हैं पर देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ, और फिर बाद में मोदी जी को राशन भेजना पड़ता है इनके लिए। राजा वहां उनसे कहते हैं कि जब तक हमारे माँ बाप तैयार नहीं है, हमारी जिंदगी में खुशी ना आए, क्यों ना हम ये खुशी भी तब तक ना मना। अमिताभ बच्चन कहता है इसकी बहन देखिए मिठू भी कह रहा है, बट अमिताभ बच्चन कंसेंट में बिलीव करता है। हाँ। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर अलग अलग कमरों में सोएंगे। बट वो कहते नहीं, एक ही कमरे में सो। अमिताभ बच्चन कहता अब ये तुम्हारा, मैं यही पे हिंदुस्तानी मर्द घचका खा जाते हैं। हाँ, कि साथ रह के कंट्रोल। हाँ, ये तो झूठ बोल रही है। She wants it. हाँ, She's asking for it. She's dying for it. Dying for it. But अमिताभ बच्चन तब भी कंसेंट का रिस्पेक्ट करता है और कुछ भी गलत नहीं करता है। बट यही तो कर्मा हो जाता है भाई। बस जब आप इतना कंसेंट की इज्जत करते हो ना, तो आपका मिलन ऊपर वाला करा देता है। क्यों ना हम ये कंट्रोल कल से लागू करें। अमिताभ बच्चन कह रहा है कि मैं तो खुद ही कह रहा हूँ लॉकडाउन नहीं हो रहा, आप मेरे से। हाँ, चलो अनलॉक 1.0 करो। फाचा फाटा, रुको जरा, अब तो फाटा। अब भाई साहब अगले दिन बच्चन साहब क्या करते हैं, एक जो है इसमें नौकरी पे लग जाते हैं, क्या कहते हैं, केयर टेकर, बस के केयर टेकर, जैसे अमीश देव ना सरकार के केयर टेकर कि फिर चार्ट की सफाई करनी पड़े, BND बनना पड़े, लेट ना पड़े, झुकना पड़े, कमिटेड है पूरी तरह से। तो एक दिन उनकी वाइफ को पता चल जाता है कि देखो ये काम कर रहे हो तो इससे अच्छा तो काम मत करो। तो बच्चन साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं लोन लेने के लिए एग्री कर जाते हैं मेजर साहब से। मेजर साहब कौन? कादर खान साहब, दुग्गल साहब। दुग्गल साहब का तभी लगा होता 1 rank 1 pension। तू सबको उंगली करता है, वो तुझे उंगली कर गया। तो कहते ठीक है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा और उस पैसे से अमिताभ बच्चन खरीदते हैं एक सेकंड हैंड बस। और भाई अपनी बीवी को बोलते हैं कि तुम जाओ IAS की कोचिंग करो। हाँ। लेकिन गाइस वो अपने उसको बस को चलाने के लिए जिम्मेदारी दे देते हैं कादर खान को और अनुपम खेर को। अब आप सोच लो वो दोनों क्या गंद मचा, गंद क्या मैं बताता हूँ क्या गंद। कहाँ की कार्टून। बच्चन साहब को जब पता चलता है भाई हीरा ठाकुर हो जाते हैं गुस्सा, क्योंकि वो कहते हैं कि साले भानु प्रताप ठाकुर के नाम पे ये बस चल रही है। क्या बुड्ढे को पता चल गया टांगे काटने का, सबकी सबसे पहले तो कहेगा मेरी क्यों नहीं टिकट कटवा रहे हो। मुझे भी टिकट लेनी 20 रुपए की। अब 20 रुपए में भरतपुर से झुमरी तलैया, साउथ इंडिया से झारखंड, मैं क्यों नहीं हो सकता भाई। बस सोनू सूद चला रहा है क्या, बस 20 रुपए पहुंचा रहा है। उसके बाद इवेंचुअली हीरा ठाकुर उस एक सेकंड हैंड बस से लेकर अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर भरतपुर तालुका के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बन जाते हैं एक सेकंड हैंड बस जो उन्होंने लोन पे ली होती है। एंड आई वॉन्ट टू आस्क ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, मदर से क्यों नहीं कवर कर रहे हो। These are the stories you should cover. भाई हीरा ठाकुर की स्ट्रगल देखो, ना पढ़ा लिखा है अगला, बाप से और नहीं बनती, बीवी कहती है जब बारिश होगी तभी दूंगी। हाँ, छिपकली आएगी तो दूंगी। उसके बावजूद भाई ने इतना बड़ा एम्पायर सेट कर लिया, और वो अपने बाप का एक बहुत पुराना सपना पूरा करते हैं, एक फ्री अस्पताल लगाने का। और उसके बाद इतना लश ग्रीन ग्राउंड की कहीं से देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पिछले साल सूखा पड़ा होगा, लेकिन वहाँ सूखा पड़ जाता है। लेकिन भाई साहब होता क्या है, बच्चन साहब कहते हैं कि ठीक है कौन आया नया कलेक्टर, हम उससे आके बात करते हैं। कलेक्टर होती है राधा सिंह, जहाँ एक तरफ वो ससुर के पैर छूती है, वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट का भी फर्ज निभा देती है।
लेकिन बाबूजी का दिल अभी भी नहीं पिघलता। दिल कैसे पिघलता है? और बच्चन साहब धीरे धीरे दिल तो पिघल ही रहा होता है अपने बेटे की तरफ, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट वहां पर आता है जहां पर वो स्कूल जाते हैं डोनेशन करने के लिए, और वहां पर वो अपना पेन चलाते हैं छिट छिट, और लड़का कहता है कि कोई बात नहीं बाबूजी, मैंने आपको माफ किया, ये तो छोटी सी बात है। छोटी सी बात है। और वो कहते हैं कि इतने अच्छे संस्कार, तो उनके मुनीम जी बताते हैं संस्कार तो अच्छे होंगे ही। आपका पोता जो है कह रहा है बहन दिखाइयो अपना मुंह, इधर देखा आ ई आपस में दोस्ती होती है, ये लोग छुप छुप के मिलते हैं, एक दिन वो आकर देता है उसको लड्डू के बेटा अपने पापा को खिला देना, उनको बहुत पसंद है। हीरा ठाकुर लड्डू खाता है, हीरा ठाकुर समझ जाता है ये तो पापू ने भिजवाया। हीरा ठाकुर की आंख से निकल जाता आंसू, कहता अगले दिन मैं तुम तुम्हें भेजूंगा खीर। अब ये गाइस वही लेजेंडरी खीर है, और बड़े ठाकुर ने जैसे खीर पी थी ना बनता भी था उनका उसमें जहर होना। गिलास से कौन खीर पीता है? गिलास और चांदी के गिलास से दिखानी है अपनी शाही को ना, ऐसे करके पी रहे हैं। फिर बात करते हैं सेंटियो के हीरो से, हेलो हीरो पूरा कमला बसंत खा के चाचा ने, जिस अस्पताल को एज ए गेस्ट देखने नहीं गए वहां एज ए पेशेंट जाना पड़ा। ये कर्मा, यही तो कर्मा है। केवड़ा ठाकुर जिसने पूरी साजिश रची होती है वो अपने लौंडों के जरिए ये बात फैलवा देते हैं कि इसको साले को हीरा ठाकुर ने मारा है। वहां पे होती है भाई साहब एक खतरनाक मॉब लिंचिंग, हीरा ठाकुर को उन्हीं के बाप की हत्या करने के इल्जाम में या मारने की कोशिश करने के इल्जाम में पब्लिक पेलने लग जाती है। लेकिन इसका बिना क्या है, बच्चे से पूछा जाता है कि साले ये बता दादाजी को खीर देने के लिए किसने बोला था? डैडी ने, पापा ने। अब देखते लेके जाएगा इसका नाम बच्चन ना, असल जिंदगी में लौंडों का सुख नहीं मिला उन्हें, उन्हें नहीं मिला ये सूर्यवंशम में लौंडा निकला। दोनों दोनों हीरा ठाकुर का भी, बड़ा ठाकुर का भी, छोटा बागवान में भी लौंडे निकले, कभी खुशी कभी गम में लौंडे निकले, और जो अब जिंदगी में है वो तो यही सबके सामने है। बाबूजी के लिए उपवास रखा है। इस मामले में सलीम साहब लकी है, कोर्ट कचहरी के केस 50 चल रहे हैं, पैसे दबा के छावरा लड़का FRSH फार्म हाउस पे सप्लाई बढ़िया चल रही है वो अलग। लेकिन क्योंकि बाप बेटे बहुत करीब हैं, तो जहाँ जो जो डंडा हीरा ठाकुर के पड़ रहा है वहाँ वहाँ बड़े ठाकुर के दर्द हो रहा है। जहर पिया हुआ अमिताभ बच्चन, बड़े ठाकुर 70 वर्ष की उम्र अभी तक बेहोश, जो आदमी होना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में वो बन रहा है इधर फाइट क्लब का इंचार्ज, अभी तक बिस्तर पे पड़ा था बेहोश बेहोश। अरे अभी उल्टी मारी 1.5 किलो वो मिला मिला के घूसे देता है बैग भाई साहब। जो बच्चन साहब का एक्शन है कि हाय तुषार हमारे बड़े बच्चन, इसके बाद वही एक हैप्पी फैमिली दिवाली टाइप का सीन हो जाता है, और वहां पे जो इस गाने को अलग अलग लोग टुकड़ों में गा रहे थे पूरी फैमिली मिलके गाती है। एनीवे गाइस, सो हियर आर द थ्री थिंग्स वी लाइक अबाउट द फिल्म। फर्स्ट, डेफिनेटली लाइक द प्लॉट ऑफ द फिल्म। यस, नेवर सीन इट बिफोर। वन ठाकुर खोपड़ा घुमा देने वाला, दिमाग का कर देने वाला ये प्लॉट है, बिल्कुल ये डार्क के लेवल का। ये अगेन ये मैं सेम चीज कहना चाहूंगा कि साले विदेशी कुछ बढ़िया सा बनाते तो समझ में तो सो कूल, और इंडियंस कुछ ऐसा सा बनाते जो इलॉजिकल हो, समझना है तो टट्टी, वही तो सारी जनता। हाँ, हम तो इसको भी कूल मानेंगे भाई, बिल्कुल भाई। हमें समझ नहीं आई इसमें बिना सर पैर की बात, बहुत सही फिल्म थी। सेकंड थिंग दैट वी लाइक्ड अबाउट द शो की स्टार कास्ट काफी स्टेलर थी। अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, सौंदर्य, कादर खान, वो सारे लोग थे जिन्होंने 2013 में पेट्रोल के दामों पे ट्वीट किया था। मुंह हिला रहा था। थर्ड थिंग, फिल्म सुंदर तो बहुत थी भाई। जो भरतपुर तालुका है आज मुझे पता चल जाए कहाँ, मैं लॉकडाउन के पहले भरतपुर तालुका विजिट करना चाहूंगा। थ्री थिंग्स वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म। एक कि अगर हम फिल्म ना भी देखने चाहे ना तो वो मुंह के अंदर ठूस देगा सेट में एक समारे। सेकंड थिंग वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म वाज द फैक्ट दैट कि भैया 2 घंटे 48 मिनट और यूट्यूब पे देखने जाओ तो हर 10 सेकंड बाद एक ऐड। थर्ड थिंग दैट वी डिड नॉट लाइक अबाउट द फिल्म वाज द प्लॉट। अभी तो तारीफ की थी उसकी। हाँ तो तारीफ करी तो देखे है तो बेकार ही था ना प्लॉट। हाँ वही ना, वही साला कोई बाहर के लोग बनाते तो सो कूल, अपन ने बना दिया तो टट्टी है। ए भाऊ, कुछ भी पिक्चर देख के रोने लग जाते हो क्या? अपना नेचर ऐसा है यार। ये लो। क्या ये? खीर। अरे भाऊ फ्रेश था। नहीं पीने का मेरे को यार, ये खिला रहा था। बंटी मेरे को बस लेने का। क्या? मेरे को बस लेने का है। हाँ लेने का तो है, लेकिन क्या? तू बस लेने का है, बस लेने का है, बस। क्या लेने का है? तू बस चलाने का मेरे को, बस जिसमें बैठ के जाते हैं इधर से उधर, बस। अच्छा, कायतोंडे ट्रांसपोर्ट कंपनी। बंटे धंधा करो तो बड़ा करो। हाँ पुरुषोत्तम सेठ ने बोला है। सही है भाऊ, किधर से किधर चलेगा बस? कैलाश पड़ा से गोपाल मठ। सही है भाऊ, मैं कंडक्टर बनेगा।
ऑडिशन दे मेरे को। हाँ एक सेकंड। ए चलो रे कैलाश पाट गोपाल पाड़। नहीं रखने का तेरे को, चला गया से भाव एक चांस और। ए चल रे कैलाश पाट जा रही है गाड़ी। यही करने का तेरे को, यही करने का है। अभी चलेगा ना अपना भी बस एकदम ऐसा फट फट फट। हाँ भाव फिर अपना भी शुगर मिल होएगा, सब कुछ होएगा। चल ले मुंह मिटा कर। हाँ भाव खेर का। हाँ भाव Anyway guys, this was the 3 of us on All Famous Honest Review Nostalgia. Like आपने last time करा, इस बार भी please बताइए कि हम क्या review करें. It really helps us in understanding हम क्या content बनाएं. और ऐसी चीज बताना जो सबने देखी हो. ये नहीं कि तुमने कोई एक picture देखी, एक आया भाई please चैनकुली की मैनकुली कर दे. Anyway guys, तब तक safe रहिए, अपने अपने घरों में रहिए. अगर मौका ना हो बाहर निकलने का तो मत निकलिए. बाल असली हो या नकली उनका ध्यान रखिए. हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी. तब तक थैंक यू. कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. फेयर एंड लवली ने भी अपना रीनामकरण कर लिया है और फेयर एंड लवली से दे आर नाउ ग्लो एंड लवली. लाइक लिटरली इट्स लिटरली लाइक करण जौहर रीनेमिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, नया स्टार किड ऑफ द ईयर, जिसको मैं प्रमोट करेगा और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बना देगा.